Good morning, all of you. Welcome back to A Square classes. Today we are started our second part of organic chemistry, that is general organic chemistry. Initially मैंने आपको बताया था organic basically चार part में पढ़ेंगे, चारों काफी आपस में connected है और important है. First part is your nomenclature and isomerism, जो हम लोगों ने complete किया है, and second part is general organic chemistry, जिसको अपन GOC भी बोलते हैं. थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर दैट रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे. हाइड्रोकार्बन बेसिकली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन. देन हम लोग 12th के लेसन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हेलोजन डेरिवेटिव, अल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड. फिर पढ़ेंगे अल्कोहल, कीटोन एंड ईथर. देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड आफ्टर दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या अमाइन डेरिवेटिव. फिर बाद में दो छोटे से टॉपिक और पढ़ते हैं, पॉलीमर्स एंड बायोबॉल मॉलिक्यूल. फिर हम अपना ऑर्गेनिक क्या होगा कंप्लीट होगा. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिकली देखते हैं कि जीओसी में पढ़ना क्या है और कहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं. हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में एक छोटा सा टॉपिक आया था, वहीं पे एक नाम आया था रेजोनेंस, इसी को अपन बोलते हैं कंजुगेशन. और याद होगा रेजोनेंस, मैंने केमिकल बॉन्डिंग जो 11th का टॉपिक है इसमें मैंने कहा था कि रेजोनेंस अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक. अब देखते हैं कि बेसिकली रेजोनेंस है क्या, समझो. उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट बॉन्डिंग के जो मैं आपको रिवाइज कराता हूं, फिर आप देखना कि आपको रिलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. जैसे मैं दो एटम लेता हूं, फर्स्ट एटम इज योर कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2. आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑब्वियसली कार्बन है, तो किसका और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है सेकंड. अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखूं, दिस इज योर पी, दिस इज योर एस ऑर्बिटल एंड दिस इज योर पी ऑर्बिटल. एंड इन केस ऑफ कार्बन दे आर हैविंग वन पी वैकेंट ऑर्बिटल एंड एस हैविंग लोन पेयर. एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इफ एटम हैविंग outermost vacant orbital and if they also have lone pair, then bond will form in excited state, not in ground state. तो obviously ये excited state हो जाएगा, तो ये कहाँ आएगा यहाँ? तो carbon basically कितने bond बनाएगा? चार bond बनाएगा, क्यों? Because they have four bond pair. इसके पास चार बॉन्ड पेयर है, तो ये चार बॉन्ड बनाएंगे. अब बेसिकली समझाना यहाँ पे है कि इसके पास एक एस ऑर्बिटल है, एस इज यू नो एस इज स्फेरिकली एंड पी हैविंग डंबल शेप. एंड इसके पास तीन पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. आउट ऑफ दिस थ्री पी ऑर्बिटल, दिस इज योर एक्स एक्सिस पी एक्स, दिस इज योर वाई एक्सिस पी वाई, and this is your again z axis which is perpendicular to both px and py, and this axis is called as pz. isko main aise kal aise dikhata hu. and all these axes are perpendicular to each other. so along the x axis there is one p orbital, this is known as px. along the y axis there is again a p orbital, this is called py. and again the along the z axis there is again a p orbital, that is called pz. and out of these three orbital, these are perpendicular to one another. to ye teen orbital ek dusre ke kya hote hain, perpendicular bond hote hain. aur s ki baat karu to s is spherically which is symmetrical along all x axis, y axis and z axis. this is your x axis, y axis and दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. समझो दो टाइप के बॉन्ड मैं आपको बताता हूं. समझो दिस इज योर एटम ए एंड दिस इज योर एटम बी. बॉन्ड कैसे बनते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, तीन मेथड थे. फर्स्ट योर बॉन्ड विल फॉर्म बाय शेयरिंग पेयरिंग, जिसमें दो टाइप के बॉन्ड थे. फर्स्ट वन इज योर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड इज योर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड फिर देखा था कि बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वन एटम कंप्लीट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर या कंप्लीट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम एक्सेप्ट द दोज इलेक्ट्रॉन. देन वन विल फॉर्म कैटायन एंड अनदर एलिमेंट विल फॉर्म एनायन. एंड द अट्रैक्शन बिटवीन दिस कैटायन एंड एनायन, द बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. हम लोग देख चुके हैं ये. तो ऑब्वियसली अगर ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बना है तो एक ए का इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा बी का इलेक्ट्रॉन होगा. समझो
अगर इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, ब्रेक करना है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली इसके पास आ जाए, इसके जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इसके पास आ जाए, मतलब ए के इलेक्ट्रॉन ए के पास आएंगे और बी के इलेक्ट्रॉन बी के पास आएंगे, एंड सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। एंड अनदर केस वी हैव एन अनदर पॉसिबिलिटी कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर या तो ए के पास जाए या बी के पास जाए। आउट ऑफ दिस टू एलिमेंट ए एंड बी, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए हैविंग मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, एंड द सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होगा? बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ए के इलेक्ट्रॉन ए के पास और बी के इलेक्ट्रॉन बी के पास। इस केस में ए अलग होगा रेडिकल के फॉर्म में, और इसको भी क्या बोलेंगे? ये रेडिकल है। दूसरा अपन देखते हैं इन केस ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ए के पास आ सकते हैं इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ये बॉन्ड टूटेंगे कैसे? ए तो ए के खुद के इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे ए के बी वाले इलेक्ट्रॉन थे, इस पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक माइनस चार्ज आ जाएगा और बी पे क्या जाएगा? एक प्लस। और इस केस में ई क्या बनाएगा? एनायन, और ये क्या बनाएगा? मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन इज ए इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड बी इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी, इस केस में ए के इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएंगे, ए विल फॉर्म कैटायन एंड बी विल फॉर्म। अगर आप एग्जांपल से समझना चाहते हो तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के एक एग्जांपल देख लो। दिस इज योर मिथाइल क्लोराइड, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे दिस इज योर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन कार्बन। इस केस में अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन से ये कौन लेके जाएगा? क्लोरीन, तो क्या जाएंगे? अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना था तो ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे ये तो किसी ऑर्बिट ऑर्बिटल्स में होंगे ना, एंड दीज ऑर्बिटल इज आइदर पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब जिस ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएंगे वो ऑर्बिटल क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो मैं कह सकता हूं किस केस में कि कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, जो इसमें एक ऑर्बिटल से मैं दिखा सकता हूं। अरे हाँ है ना, समझा? अब देखते हैं बेसिकली कंजुगेशन की तरफ आते हैं। कंजुगेशन बेसिकली है क्या, समझना, डिफिनेशन बाद में आएंगे पहले समझते हैं। समझो ये कोई एक कंडीशन है। अब ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कार्बन को इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया होगा और वो बॉन्ड टूटने के बाद इसके जिस ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास गया होगा उसके पास से क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट्स हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज। या मैं कह सकता हूं कि दिस कार्बन हैविंग वन वैकेंट ऑर्बिटल। अगर मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल इसी को थोड़ा सा कंडेंस करूं, दिस इज योर एच एच सी एच एच सी एच एच।
अब इस कार्बन के पास चार ऑर्बिटल थे, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल. आउट ऑफ दीज फोर ऑर्बिटल, इन दिस केस कार्बन हैविंग वन वैकेंट ऑर्बिटल एंड दीज थ्री ऑर्बिटल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन विच इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन. इसके पास तीन, इस कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड है, और इसके पास एक है क्या, दीज हैविंग वन वैकेंट ऑर्बिटल. या तो इस वैकेंट ऑर्बिटल को ऑर्बिटल से दिखा सकता हूँ मैं, या इस पे क्या दिखा सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन में जो इस कार्बन कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हुआ हुआ दिस बॉन्ड फर्स्ट ओवरलैपिंग गिव्स सिग्मा बॉन्ड, एंड जो सेकेंड ओवरलैपिंग हुआ होगा गिव्स पाई बॉन्ड. तो अब इनके जो पाई बॉन्ड होंगे, समझो इसके भी एक पी ऑर्बिटल्स होंगे और इसके भी पी ऑर्बिटल्स होंगे. और आपको ओवरलैपिंग थ्योरी में भी नो कि बाय द रिजल्ट ऑफ हेड ऑन कोलिजन सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, और बाय द ओवरलैपिंग ऑफ लेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म. इसके जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने होंगे दिस इज पाई, ये बॉन्ड क्या ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड. अब इन दोनों के बीच में जो पाई बॉन्ड होंगे इसके पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन से यहां होंगे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन से यहां होंगे, है ना. अब ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां तो ऑर्बिटल खाली है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर जाए. सोच हो सकता है, नहीं सकता, तो क्या होंगे, देखो होंगे क्या, सी 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 एच 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 एच. ये जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन से, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव. और यही लोन पेयर ये इसको डोनेट कर दे तो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा. और होगा क्या, दिस एटम हैविंग वन पाई इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल, अगेन पी ऑर्बिटल, अगेन पी ऑर्बिटल. अब ये बॉन्ड अगर इन दोनों के साथ बना, इस पे क्या जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज. और होगा क्या, एच 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 सी एच एच एंड दिस है. अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको बनाऊं तो फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, इस स्ट्रक्चर को आप समझो, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सी एच टू, यहाँ पे बोलो, अगर ये बॉन्ड यहाँ ओपन होते हैं तो होगा क्या, सी एच टू सी प्लस, सॉरी लोन पेयर माइनस चार्ज प्लस. अब ये कैटायन, ये इस पे पॉजिटिव, ये लोन पे इसको डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. दिस विल फॉर्म सी एच प्लस सी एच डबल बॉन्ड सी टू. दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर वन एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर टू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर, अगर आप नंबरिंग कर लो, वन टू थ्री, वन टू थ्री. अब पहला क्या था, वन और टू के बीच में डबल बॉन्ड थे एंड द थर्ड एटम हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, एंड इन दिस स्ट्रक्चर बॉन्ड बिटवीन टू एंड थ्री आर मल्टीपल बॉन्ड एंड वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज. दोनों केस में हो क्या रहे हैं कि यहाँ जो पाइप इलेक्ट्रॉन्स थे वो वन टू से कहाँ गए, टू एंड थ्री के बीच में, एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ गए, वन के बीच में,
दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि इन रेजोनेंस और कंजुगेशन देर इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो क्या हर जगह होंगे या नहीं होंगे? अब सोचो, इफ दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस इज योर पी एक्स एंड दिस इज योर पी एक्स, अगर इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है या तो ये पी वाई और पी जेड होते तो क्या इसके पैरेलली होते? अगर ये इसके पैरेलली नहीं है तो फिर ये लेटरल ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। आप ऐसे समझो, दिस इज योर एक्स पी एक्स ऑर्बिटल एंड दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल, अगर ये दोनों अलोंग द वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अगर ये पी एक्स और अगर ये पी जेड ये ओवरलैप करेंगे तो कभी बॉन्ड बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग होने के लिए जितने भी पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलली है तभी ये ओवरलैपिंग हो पाएंगे। तो कंडीशन क्या है कंजुगेशन होने का, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। फर्स्ट, कंजुगेशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इससे होगा क्या? मॉलिक्यूल गेट्स स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल क्या होंगे? स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। इट इज एसोसिएटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज negative charge lone pair orbital। ये कहां कहां located होंगे? तो जहां multiple bond lone pair के साथ हो, vacant orbital के साथ हो, negative charge के साथ हो, positive charge के साथ हो। basically मैं ये कहूंगा कि अगर multiple bond कहीं भी vacant p orbital के साथ है ना, तो there is a chance of conjugation। आगे हम लोग एक्सेप्शन भी देखेंगे कि अगर मल्टीपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो जरूरी नहीं कि वहां पे कंजुगेशन हो। कंजुगेशन तभी पॉसिबल होंगे जो मल्टीपल बॉन्ड है बेसिकली वो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स के साथ हो। किसके साथ हो? पी ऑर्बिटल। और थर्ड पॉइंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कंजुगेशन में आपसे पूछे कि सिग्मा बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो आपको कि इसमें सिग्मा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जितने भी एटम कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एटम पार्टिसिपेटेड इन कंजुगेशन मस्ट बी, फिर मैंने कहा जितने भी है तो अगर ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेटेड हो रहे हैं तो दे मस्ट बी प्लेनर। ऑल द एटम participated in conjugation, all the atom conjugation must have p orbital। जितने भी atom conjugation में participate हो रहे हैं they must have p orbital।
ठीक है। सेकेंड चीज देखना, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है पहले किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, लोन पेयर, और अगेन ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, पाई बॉन्ड। क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी भी एटम का पोजीशन पहले से चेंज हो रहा है? नहीं। तो कहीं ना कहीं कंजुगेशन में पोजीशन ऑफ एटम ऑलवेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और ओनली होता क्या है, तो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टेबल। तो मैं कह सकता हूं पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर, और जो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड है दे विल इंटर कन्वर्ट इन बिटवीन ईच अदर, और लोन बॉन्ड नॉन पेयर और पाई बॉन्ड दूसरे में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। इन शॉर्ट में आपसे कहूं बेसिकली कंजुगेशन है क्या, तो पासिंग दी पासेज मैंने आपको दिया, अगर आप मेरे साथ कंजुगेशन में हो, मेरे साथ इंटरेस्टेड हो, आपने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, और जब तक ये चेन कंटिन्यू है तब तक क्या होगा, वो चीजें पासेस होते रहेंगे। बेसिकली कंजुगेशन में भी यही हो रहा है कि जो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड है वो इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। होगा क्या, तो जब लोन पेयर कन्वर्टेड इंटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इंटू लोन पेयर, तो कई सारे बॉन्ड टूटेंगे, कई सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस करेगा, एंड वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो बेसिकली कंजुगेशन इज ए पार्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं अगर किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्टेबल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू दोज मॉलिक्यूल विच डू नॉट शो कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि कोई एटम ना तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वगैरह वो क्या होंगे, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। होगा क्या, तो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। कंजुगेशन का कंडीशन क्या था कि जितने भी पी और बाई जितने भी एटम जिनके बीच में कंजुगेशन हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलली होंगे, मतलब दे मस्ट हैव इन सेम प्लेन। ओके, तो फिर अपन देखते हैं कि कंजुगेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या कुछ फिक्स कंडीशन है जहां कंजुगेशन हो सकता है, तो देखते हैं कि क्या क्या कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर एक एक करके उसको डिटेल्स में देखते हैं और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कंडीशन ऑफ मैं एक बार आपको सारे नाम लिखता हूं फिर आप एक एक करके ना। पहला लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ अगर लोन पेयर कंजुगेटेड हो मल्टीपल बॉन्ड के, एक एक एग्जांपल में देता हूं फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे CH2 कार्बन के पास क्या है, लोन, आप खुद ऐसे देख लो NH, लोन पेयर किसके साथ कंजुगेशन है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ। सेकंड वैकेंट ऑर्बिटल इज कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेटेड है मल्टीपल बॉन्ड के, देन देयर इज अ चांस ऑफ कंजुगेशन। देख लो अभी जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किए बेसिकली इसी के, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH, मैं इसको अदर पेन यूज करता हूँ एग्जांपल के लिए।
ठीक है, दूसरा देख लेना। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट आपको पता है BH3, दिस इज ये लेविस BF3, लेविस एसिड, या BH3 भी लेविस एसिड होगा, बिकॉज इस दिस शेड्यूल वन वैकेंट ऑर्बिटल एंड इसके पास सिक्स ही आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, देयर इज इनडेफिशिएंट ऑक्टेट एंड दे बिहेव सच इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट and it having tendency to accept a pair of electron. Third one is multiple bond conjugated with free electrons. ऐसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, लाइक दिस। जैसे देखो CH, H, NH, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कार्बन ने तीन ही बॉन्ड बनाए थे, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड इस रेडिकल के साथ है, फिर भी क्या होंगे, कंजुगेशन होंगे। फोर्थ, मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन, या इसी को मैं एक और बोल सकता हूं, मल्टीपल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजिशन, मल्टीपल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजिशन, अगेन देर इज ए चांस ऑफ कंजुगेशन। एग्जाम्पल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CHC, यहां पर भी कंजुगेशन होगा। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल को अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। फिफ्थ, लोन पेयर कंजुगेटेड विथ वैकेंट ऑर्बिटल, अगर कोई लोन पेयर कंजुगेटेड है किसके साथ, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, देख लो ऑक्सीजन, दे मस्ट हैव लोन पेयर एंड CH2 इट्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड हो मैच। ओके, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में नाम दिया था बैक बॉन्डिंग, क्या नाम दिया था, बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज योर कंजुगेशन ऑफ पी ऑर्बिटल
विथ कंजुगेशन ऑफ पी ऑर्बिटल विथ डी ऑर्बिटल. जैसे देखो अगर कार्बन की बात करोगे आप तो कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है एंड इट हैविंग पी ऑर्बिटल एंड क्लोरीन बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड एलिमेंट इसके पास 3d ऑर्बिटल्स हैं. तो जो पी ऑर्बिटल्स हैं अगर ये कंजुगेशन हो जाए पी ऑर्बिटल तो क्लोरीन बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड इट हैविंग दिस इज योर थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड इट्स हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. तो ये क्या करेगा इसके लोन पेयर को ये एक्सेप्ट कर सकता है. तो होगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CN और इस पे क्या जाएगा माइनस चार्ज. अब जो ये बॉन्ड बना ये इन बिटवीन पी बॉन्ड पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल इसी को बोलते हैं पी पाई डी पाई. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पी पाई पी पी पाई डी पाई एंड इन दिस केस दी पाई बॉन्ड इज कॉल्ड पी पाई पी पाई. तो दीज आर द सिक्स कंडीशन वेयर द कंजुगेशन टेक प्लेस. That is, if the lone pair is conjugated with multiple bond, there is a chance of conjugation. If vacant orbital conjugated with multiple bond, there is again chance of conjugation. If multiple bond conjugated with unpaired electron, free, या उसी को free electrons बोलते हैं, या उसी को free radical बोलते हैं, there is again chance of conjugation. If multiple bond conjugated with multiple bond, इसी को अपन बोलते हैं multiple bond at alternate position. It means double, single, double, double, single, double. There is again chance of conjugation. If lone pair conjugated with vacant orbital, that is also known as back bonding. हम लोग chemical bonding इसको back bonding बोलते हैं. और इस केस में जो pi bond formation होगा, this pi bond is called p pi p pi. And if conjugation with conjugation of p orbital with d orbital, there is again formation of pi bond, but this pi bond is called as p pi d pi. Okay? तो अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसी के बेसिस पे या एक एक करके इसी को पढ़ते हैं कि देख एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. ठीक है इसको एक एक करके हम लोग क्या डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं लोन पेयर कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड. आप पहले देख लें कि कहां कंजुगेशन होगा और होगा तो किस साइड से होगा. ठीक है
अब करके बताओ कहाँ कंजुगेशन होगा कहाँ कंजुगेशन नहीं होगा। किस किस में कंजुगेशन होगा? ये यहां पे गलती है, दोनों यहां ओपन होगा, होगा क्या? पहले तो मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में थे? कार्बन कार्बन के बीच में, अब ऑक्सीजन कार्बन के बीच में आ गया, और कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज। इस केस में देखो ये लेफ्ट साइड में कंजुगेशन में, राइट हैंड साइड में कंजुगेशन। अगर ये कंजुगेशन इस साइड में हो, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, अगर ये कंजुगेशन इस साइड में हो तो ये बॉन्ड यहाँ खुलेंगे तो क्या हो जाएंगे CH2। और ये कंजुगेशन अगर यहां से इस साइड में होती है, ये बॉन्ड यहां खुलेंगे, दिस इज योर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH अगेन CH देन डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में कंजुगेशन होगा, तो ये अगर यहाँ आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ खुलेंगे तो ये यहाँ कंजुगेशन ही नहीं है। इन दिस केस देयर इज नो कंजुगेशन, दिस केस देयर इज नो कंजुगेशन, अब इसके पास है क्या हाइड्रोजन, अब इसके पास कोई पी ऑर्बिटल ही नहीं है कि जो यहां पे खाली होंगे, समझना। इस एग्जांपल को मैं समझाता हूं आपको, यहां समझ, ये एग्जांपल समझो कुछ ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी एग्जांपल को ऐसे समझो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे तो इसके पास कोई एक पी ऑर्बिटल होनी चाहिए, जो पी ऑर्बिटल है जो इसके साथ बॉन्ड बना है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आते हैं तो ये पी ऑर्बिटल खाली होंगे जिसके साथ ये यहां बॉन्ड बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये लोग खाली होने से यहां लोन पेयर माइनस आ जाएगा। लेकिन इन दिस केस इस कार्बन के पास कोई पाई ऑर्बिटल ही नहीं है जिसमें पाई बॉन्ड बने, क्योंकि बॉन्ड अगर यहां खाली होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ये कंजुगेशन, इसलिए यहां पे कोई कंजुगेशन नहीं। यहां पे कोई कंजुगेशन होगा क्या? नहीं होगा। इन दिस केस यहां होगा, ये यहां होगा तो ये बॉन्ड यहां आएगा, अब ये अगेन कंजुगेशन में, तो जब ये इसको डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड यहां आएगा, होंगे क्या? दिस इज अगेन इन कंजुगेशन, होंगे क्या? दिस इज अगेन इन कंजुगेशन, ये यहां आएंगे तो ये बॉन्ड यहां आएंगे, आप कहोगे वापस से तो यही स्ट्रक्चर मिला, ऑब्वियसली वही स्ट्रक्चर मिला, लेकिन हुआ क्या, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। तो इससे हुआ क्या, मॉलिक्यूल में कई सारे बॉन्ड टूटेंगे बनेंगे, एनर्जी लॉस होगी, मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, जिसमें कंजुगेशन होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में,
कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस स्ट्रक्चर में देखो कंजुगेशन होंगे होंगे बोथ साइड, ये अगर इधर कंजुगेशन होगा तो ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। और इस साइड भी कंजुगेशन हो सकता है, अगर कंजुगेशन यहाँ होगा तो ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा। इसको वाले मॉलिक्यूल देखो, ये कंजुगेशन यहाँ होगा तो ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा। नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट लेते, इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव। इस साइड में क्या ये कंजुगेशन इसके साथ है, तो इस पार्ट के साथ कोई कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन इस पार्ट के साथ है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल थे वो एग्जांपल किसके बेसिस पे, ठीक है, इफ लोन पेयर इज कंजुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड या लोन मल्टीपल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, देयर इज ए चांस ऑफ कंजुगेशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, व्हेन लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ वैकेंट ऑर्बिटल, व्हेन लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ वैकेंट ऑर्बिटल देयर इज चांस ऑफ कंजुगेशन। इफ लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ वैकेंट ऑर्बिटल देयर इज चांस ऑफ कंजुगेशन। कहाँ कंजुगेशन होगा और कहाँ कंजुगेशन नहीं होगा, फर्स्ट में होगा क्या, सेकेंड, थर्ड होगा, थर्ड में बेटा नहीं होगा। अब इसमें देखो कंजुगेशन दोनों बोथ साइड कंजुगेशन है तो अपन दोनों साइड बनाएंगे, और सेकंड क्या होगा,
अगर कंजुगेशन नहीं हो आपको पता है इस स्ट्रक्चर की दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दीज आर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। या इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस केस में बताओ कंजुगेशन होगा, ये बॉन्ड जब यहां आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। इस केस में कंजुगेशन होगा क्या, देखो यहां इसके पास तो दो हाइड्रोजन है ना, कोई कंजुगेशन नहीं है। नो कंजुगेशन, इस केस में कंजुगेशन है, इस पाई बॉन्ड के साथ तो कंजुगेशन होगा, होगा क्या, क्या ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन है, तो नहीं, तो इस पार्ट में कोई कंजुगेशन नहीं, लेकिन इस पार्ट में क्या है, कंजुगेशन है। इस केस में देखो आप ये बॉन्ड यहां आएगा तो जो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है CH3 CH plus CH double bond CH2, इन दोनों में कंजुगेशन है। इस पार्ट की बात करो तो ये कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां जाएगा, फिर इस पार्ट में देखो तो इस पार्ट में कंजुगेशन यहां होगा, कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस पार्ट में कंजुगेशन, फर्स्ट पार्ट में ये बॉन्ड यहां आएगा तो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है ये बनेगा। अगेन ये कंजुगेशन में है, इस केस में ये बॉन्ड यहां आएगा इस केस में देखो, तो स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो तभी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। इलेक्ट्रॉन पे अगर कोई मॉलिक्यूल पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है तो ये क्या होंगे, कंजुगेशन में होंगे, तो ये लोन पेयर यहाँ आएंगे तो ये कंजुगेशन होगा CH2 डबल। इस केस में अगर बात करोगे आप तो देख लो नाइट्रोजन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स नहीं है। इस केस में कोई कंजुगेशन होगा, नहीं होगा, इस केस में कोई कंजुगेशन। तो आप इसको आप देख सकते हो कि अगर कोई लोन पेयर या मल्टीपल, अगर सॉरी अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में है किसके साथ, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, तो वहां पे 100% क्या होगा, कंजुगेशन होगा। अब देख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछो। अब थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं, लोन पेयर कंजुगेटेड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। If lone pair conjugated with आइए एक एग्जांपल देखो, दिस इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब समझो पहले या तो ये एटम के पास वैलेंट ऑर्बिटल होता था या इस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
अगर वैकेंट ऑर्बिटल थे तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहे थे, अगर लोन पेयर थे तो रिपेल कर रहे थे, अगर ये वैकेंट इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कब आएंगे कि जब ये बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से टूटेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे बॉन्ड, और इस पे क्या जाएगा फ्री रेडिकल। अब देखो होंगे कैसे, इसके रेडिकल भी टूटे और इसके रेडिकल भी टूटे, अब ये दोनों क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लिए, तो क्या हो CH2 इस पे रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब भी रेडिकल के केस में अगर बॉन्ड टूटेगा तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होमोलिटिक इक्वली टूटेंगे और एक के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, इक्वली इलेक्ट्रॉन जाएंगे रेडिकल के फॉर्म में टूटेंगे। तो जो रेडिकल के केस में कंजुगेशन होगा वो रेडिकल के जैसे ही होगा, क्योंकि रेडिकल रेडिकल से ही बॉन्ड बना करके क्या होंगे कंजुगेट, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। जैसे देख लो फर्स्ट केस में कंजुगेशन होगा तो ये टूटेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये जो दोनों रेडिकल है ये यहाँ टूटेंगे तो ये दोनों रेडिकल बॉन्ड बनाएंगे तो रेडिकल इस पे रहेगा, ठीक है। फिर ये फ्री रेडिकल जो है वो कंजुगेशन है मल्टीपल बॉन्ड के साथ में, तो इस केस में ये जो रेडिकल है ये टूटेंगे तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, देयर इज अगेन कंजुगेशन। तो दीज आर द कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एग्जांपल वन। दूसरा कंजुगेशन होंगे बोथ साइड है, ये इधर टूटेगा तो ये रेडिकल यहां मिलेंगे, ये रेडिकल यहां मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे और जब इस साइड कंजुगेशन होंगे तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ बनेंगे करा जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कंजुगेशन में है ऑब्वियसली है, अब ये केस में यहाँ टूटेंगे तो ये दोनों डेट कर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो रेडिकल बॉन्ड भी टूटेंगे तो रेडिकल के फॉर्म में टूटेंगे और बॉन्ड बनाएंगे भी तो रेडिकल से बनाएंगे। आज हम लोग के This is your case third. Case four देखते हैं, case four अपना क्या था, if lone pair is conjugated with vacant orbital, फर्स्ट हाइड्रीन हम लोगों ने देखा
कि मल्टीपल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ लोन पेयर या लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड। सेकंड हम लोगों ने देखा, एक्चुअली हेडिंग गलत हो गया था, सेकंड हम लोगों का था इफ मल्टीपल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ वैकेंट ऑर्बिटल, या और कह सकते हो कि वैकेंट ऑर्बिटल इज कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, तो भी ये कंडीशन था। थर्ड था मल्टीपल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ फ्री रेडिकल, हम लोग हेडिंग का लोन पेयर ही था, लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ फ्री रेडिकल नहीं है। फोर्थ हम लोग देखेंगे लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ अगर लोन पेयर कंजुगेटेड हो वैकेंट ऑर्बिटल से। यहाँ पे हम लोग ने देखा था दो कंडीशन था, फर्स्ट जो हम लोग बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग की बात करते हैं, इस देखो NH2 BH2। अब देखो समझो कैसे, अगर नाइट्रोजन की बात करूं एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन 1s2 2s2 2p3, एस के दो इलेक्ट्रॉन से एन पी के तीन इलेक्ट्रॉन से, तो ये किस फॉर्म में रहेंगे लोन पेयर और ये किस फॉर्म में है बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता भी है तीन, तो इसके पास है क्या होंगे लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अब बोरोन की बात करोगे, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1, एस के पास एक इलेक्ट्रॉन, पी के पास वन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनेगा। इसके पास तीन बॉन्ड है, तो ये तीन बॉन्ड तो बनाते हैं केस ऑफ BH3, ये भी तीन बॉन्ड बनाते हैं, इनका कंप्लीट ऑक्टेट है क्योंकि एक लोन पेयर है, लेकिन इनके पास है क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। अगर लोन पेयर कंजुगेटेड वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपने लोन पेयर को यहाँ डोनेट कर देंगे तो बॉन्ड बनेगा, तो होगा क्या NH2 डबल बॉन्ड BH2। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये जो पाई बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड पी पाई। सच में अगर कोई लोन पेयर कंजुगेशन में आ जाए किसके साथ वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ, तो अगेन एक चांस ऑफ क्या है कंजुगेशन है, और सच काइंड ऑफ कंजुगेशन इज कॉल्ड एज लोन पेयर कंजुगेटेड विद वैकेंट ऑर्बिटल, और इस केस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा पी पाई। ठीक है देख लो फिर एग्जाम्पल इसका देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पे ये इसको डोनेट करेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अगेन पी पाई, ये अपना लोन पे यहाँ डोनेट करेगा होंगे N3B3 H6 बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन।
बोरा जोन बोलते हैं स्ट्रक्चर डिवाइड, यहाँ पे भी पीपाई डिवाइड पीपाई पीपाई बोलते हैं। N3B3H6 हर केस में नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, और बोरोन के पास क्या है, देखो नाइट्रोजन के पास क्या है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बोरोन के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा क्या, ये अपना लोन पेयर है यहां डोनेट करेगा, ये अपना लोन पेयर है यहां डोनेट करेगा, ये तो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, केस 5 मल्टीपल बॉन्ड conjugated with example देख लो अब इस केस में देखो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड यहां पोलराइज करेगी, इसका जो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CHC O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर कंजुगेशन आ गया मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ वैकेंट ऑर्बिटल्स, देयर इज अगेन चांस ऑफ कंजुगेशन, तो ये बॉन्ड यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा CH2 प्लस ऑल दीज आर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। कंजुगेशन होगा पहले ये बॉन्ड यहां खुलेगा तो वो नेक्स्ट केस में क्या होगा ये बॉन्ड यहां आएंगे ठीक है, तो सिंपल समझना है कि कभी भी किसी स्ट्रक्चर में ऐसा है CH3 यहाँ पे डबल सिंगल डबल, ये जो बॉन्ड है ना सी डबल बॉन्ड हो इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। अब कार्बोनिल कार्बन बेसिकली ये हो गया सी डबल बॉन्ड हो, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है क्या मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जब भी ओपन होंगे तो ऑक्सीजन की तरफ ओपन होंगे, ये बॉन्ड जब भी ओपन होंगे पोलराइज होंगे तो ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है जिसपे डेल निगेटिव और इसपे क्या होगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो फिर ये क्या करेंगे कंजुगेशन कर लेंगे, तो कोई भी ऐसा जानते हैं दिस इज योर कीटोन दिस इज योर एसिड दिस इज योर एल्डिहाइड,
अगर ये सब ग्रुप हैं कंजुगेशन में तो हमेशा क्या शो करेंगे, कंजुगेशन। तो अगर इस मॉलिक्यूल की बात करो क्या होगा कंजुगेशन, ये बॉन्ड यहाँ खुलेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट देख लो, अब यहाँ कंजुगेशन है, कंजुगेशन होगा इस कंजुगेशन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव अगेन, ये कंजुगेशन में तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ये अगेन कंजुगेशन में है तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ये अगेन कंजुगेशन में है तो सॉरी ये बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा, अब इन दोनों को आप मैच कर लो, देखो अब मॉलिक्यूल तो बट जो पाई बॉन्ड का पोजीशन रीडिंग में वो चेंज कर गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया स्टेबल हो गया, इसलिए कहते भी कि अगर मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में मल्टीपल बॉन्ड के साथ हैं तो वहाँ पे क्या होगा कंजुगेशन होगा। एंड लास्ट आपको मैंने बताया था पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, अगर कोई वैसा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो पी और वाइटल्स में हो अगर वो किसी भी थर्ड पेयर एलिमेंट के साथ कंजुगेशन में, किसी भी थर्ड पेयर एलिमेंट के साथ कंजुगेशन में, तो बेसिकली वहाँ पे होगा क्या कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वो जो पाई बॉन्ड होगा वो पी एंड डी के बीच में होगा, दैट्स व्हाई दिस पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट पी पाई डी पाई, दैट ऑल अबाउट कंजुगेशन। कंजुगेशन में बेसिकली ऐसा नहीं है कि कंजुगेशन कंप्लीट हुआ, बेसिकली कंजुगेशन में हमने देखा कि कंजुगेशन होता क्यों है और क्या क्या कंडीशन है कंजुगेशन के, दैट इज द केसेस वेयर कंजुगेशन अकर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंजुगेशन होंगे वो दो टाइप्स के होते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली ये कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो कंजुगेशन होगा वो दो टाइप्स के होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है समझना आप। इसी को बोलते हैं पहले एग्जाम्पल समझना फिर आप बताना, ठीक है। लोन पेयर कंजुगेटेड विथ मल्टीपल देयर इज अ चांस ऑफ कंजुगेशन, अब ये लोन पेयर यहाँ आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, होगा क्या,
योर एग्जाम्पल नंबर वन। अब मैं एग्जाम्पल नंबर टू लेता हूँ, इसमें मैं लेता हूँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी, इस केस में आप देखो जब ये बॉन्ड यहां आएंगे तो ये बॉन्ड यहां खुलेंगे, क्या सी एच टू लोन पेयर माइनस सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, इन दोनों ये दिस बोथ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज रेटिनेटिंग स्ट्रक्चर और अगेन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेटिनेटिंग स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है कि इन दोनों में इस केस में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्डेड लिंक है, इस केस में यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्डेड लिंक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, कहीं ना कहीं इन दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी सेम होगी, लेकिन आप इस केस में अगर बात करोगे तो इस केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या आपको लगता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम होगी, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? तो वही स्ट्रक्चर ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेंगे जो ज्यादा स्टेबल होंगे, तो कहीं ना कहीं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दो टाइप के होंगे, एक तो होंगे इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सेकंड होंगे अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एग्जांपल है, ये इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है तो इनके स्टेबिलिटी क्या होंगे अलग अलग होंगे, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी पे बात करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर किसी मॉलिक्यूल में अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उनके एक से ज्यादा क्या होंगे स्ट्रक्चर होंगे और हर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी अलग अलग होगी, इसी के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिर इसी ही पे हम लोग बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।